नमस्कार दोस्तों, फिर से एक न्यू रिव्यू फिल्मी सीक्रेट में आपका स्वागत है। प्रभास का अगला धमाका शुरू हो गया है। इस दिनों सलार मूवी का पोस्टर हुआ लीक और तो और काफी तेजी से वायरल भी हो रहे हैं। प्रभास बाहुबली मूवी से भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में एक अलग तरह की पहचान बनाया है। इसका प्रत्येक फिल्म को देखने के लिए बेसब्री से लोग इंतजार करते हैं। हाल ही में प्रभास का राधे श्याम मूवी की कहानी भी बहुत सारे लोगों ने भी कमजोर बताया था। यही वजह है कि राधे श्याम मूवी भी अच्छी खासी कलेक्शन नहीं हो पाई। प्रभास अपनी अपकमिंग फिल्म सलार की शूटिंग जोरों शोरों से चल रहा है। सलार मूवी की कुछ तस्वीर लीक हुई है। इन तस्वीर को देखकर पता चल रहा है प्रभास इस फिल्म में एक नए लुक में आने वाले हैं और हमें लगता है इस लुक में देखकर लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। वैसे ही सोशल मीडिया पर पोस्टर आई वैसे ही तुरंत हैशटैग देकर बहुत सारे लोग एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं। राधे श्याम मूवी से निराश फैंस इनके इन नए लुक को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। प्रशांत नील डायरेक्शन में जितने भी फिल्म बनी है फिल्म को हिट करने की अभी के समय हिट होने की गारंटी माना जाता है। यह भी फिल्म प्रशांत नील डायरेक्शन में ही बनाया जा रहा है। इस फिल्म में प्रभास के साथ पृथ्वीराज सुकुमारन, रितु हासन, जगपति बाबू नजर आने वाले हैं। जगपति बाबू ने दर्जनों से ज्यादा हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। इनका रोल काफी ज्यादा अहम माना जाता है और इस फिल्म की घोषणा 2020 में किया गया था। फिल्म की प्रोड्यूसर किरण दूर है। यह फिल्म कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी भाषाओं में 600 से ज्यादा सिनेमा घरों में रिलीज कर दिया जाएगा। यह फिल्म मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म को दो पार्टों में बनाया जाएगा।